भावना सांपला है। मैं 5वीं क्लास जी विद्यार्थी हाँ। मेरे स्कूल का नाम सरकारी प्राइमरी स्कूल सोफी पिंड है। मैं आज तुहाडे सामने एक कहानी पेश करन जा रही हाँ, जिसका नाम है सियाणी बकरियां। एक पिंड विच दो बकरियां रहिंदियां सन, एक काले रंग दी अते एक भूरे रंग दी। पिंड दे कोल एक नदी सी, नदी दे दोवें पासे हरी घास सी। दोवें बकरियां उत्थे घास चरन जांदियां सन। नदी ते एक रुख डिग गया सी, इस नाल नदी ते पुल जिहा बन गया सी। पुल दे उधरों हो के बकरियां नदी दे एक पासे तो दूसरे पासे आया जाया कर दियां सन। एक दिन पूरी बकरी ने नदी दे दूसरे पासे काले रंग दी बकरी नू हरी हरी घा खांदे वेख के उधर जान बारे सोचा। इस लई नदी पार करन लई ओ पुल उत्ते चढ़ गई। जदों पूरी बकरी पुल पार कर रही सी तां उसने काली बकरी नू सामने तो अपने वल आउंदिया वेख्या। दोवें बकरियां पुल दे विचकार पहुंच गईयां अते फिर सोचन लग्या हुण की किता जावे, क्योंकि पुल बहुत तंग सी। एक समय ते एक बकरी पुल पार कर सकती सी अते उना लई वापस मुड़ना भी संभव नहीं सी। दोवें बकरियां ने अपने सियाणप वरतदे होए फैसला किया कि एक बकरी पुल उत्ते बैठ जावेगी अते दूसरी बकरी उस दे उपरों लंघ के पुल पार कर लवेगी। बकरियां ने इसे तरह ही किया अते पुल पार कर लिया। सानू इस कहानी तो यह सिक्ख्या मिलती है कि सोच समझ के अते मिल के कम करन नाल कम सौखा हो जाता है। थैंक यू।